अबे तू कब से इतनी महंगी चप्पल पहनने लगा? कुत्ता लाया होगा, मुझे तो पगार ही नहीं मिली। कुत्ता एक चप्पल लाएगा, दो क्यों लाएगा? अरे साहब शायद कुत्ता दो बार गया होगा। यही चप्पल सर पे मारूंगा, मेरे पैसे की खाता है, साइड कुत्ते की लेता। चल अंदर। अपने रिश्तेदार को साले काले तू मेरे घर पर बना देता है? पता नहीं इस घर में तीन तीन जवान लड़कियां। आपको पता है, इसे थोड़ी ना पता है, मार मार के कचुंबर बना देगा। ठीक है, मैं यहीं गुस्से को पी जाता हूँ, तू आगे जाकर बात को आगे बढ़ा। भैया, अरे ओ मेरे भैया। क्या बात है, आजकल भिखारी घर में घुसकर भीख मांगने लगे हैं क्या? क्या इनके पहनावे से आपको लगता है कि ये भिखारी है? गेटअप बदलने से भिखारी राजा थोड़ी हो जाता है। बातों से नहीं, हाथों और लातों से बात होगी। सुबह से ही मेरी हथेली में बहुत खुजली हो रही है। जल्दी बता कौन है तू? जिस घर में तीन खूबसूरत लड़कियां हैं वहाँ तेरे जैसा फटीचर क्या कर रहा है? मैं उन तीनों का भाई हूँ। माँ आ रही हूँ। तुम हो? मुझे लगा बैल आया है इसलिए कल का बासी खाना ले आई। पता नहीं तुम हर वक्त ये बैल की तरह माँ माँ क्यों चिल्लाते रहते हो। पिछड़े नहीं देखते क्या? प्यार से मॉम बोला। मम्मी संजान के सामने मेरा अपमान मत करो, अपने छोटे से मुझसे मेरी बड़ी तारीफ करो। ये नाकारा नालायक निकम्मा बेटा। अब इस फटीचर का मुझे इंट्रोडक्शन दो। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का फर्स्ट बेटा है। आपके बेस्ट फ्रेंड के फर्स्ट बेटे की रिटर्न फ्लाइट कब की है? मान न मान मैं तेरा मेहमान। अबे अनजान मैं तेरे घर नहीं आया, तू मेरे घर क्यों आया? मालिक फैमिली मैटर बाद में सुलझाना, वहाँ ठरकी बैल को खाना मिल गया, मुझे कब मिलेगा? तो ठीक है ये कुत्ते का खाना तू खा ले, किसी का भी हो चलेगा। खाने दो। बैल के खाने को कुत्ते का खाना बोलता है? ओ हीरो कब आया तू? थोड़ी देर पहले। कब जाएगा? आइडिया नहीं है। आई विल गिव यू आइडिया, मेरी बात कान खोल के सुन। कल सुबह होते ही यहाँ से रफो चक्कर हो जा, वरना कल ये मुझे मुंडवा कर तुझे पूरे शहर में घुमाऊंगा। याद रख बापू, अमर नाम है मेरा। इसका कुछ करना पड़ेगा। माँ इस घर में मेरे और मेरे बैल के अलावा कोई मर्द नहीं दिखना चाहिए। हाँ। जल्दी से उसे दो जली हुई रोटी देके खाना खिला के रफा दफा कर। खाना तो वो सुबह से खा रहा है। शर्माओ मत, पेट भर के खाओ। हाँ कम पड़ेगा तो और बना दूंगी। बहनो तुम इसे एक आदमी का खिला रहे हो कि दस आदमी का? केले का पत्ता कितना बड़ा है। जन्म जन्म के भूखे पहला राउंड हो गया। नौवा राउंड चालू है। लौटा लौटा, इसे घुर के हो गया तो मुझे खाना दे। आप बाद में नहीं खा सकते थे, अब हम पर जासूसी करने। इतने छोटे पत्ते पे खाना देगी आप प्रशांत? अरे क्या ऐसे परोसोगी तो शाम हो जाएगी, लाओ दो। मेरे लिए मैं पड़ोसी के घर से लेके आता हूँ। क्यों यहाँ खाना कम पड़ गया क्या? तुम बैठे हो ना, कम तो पड़ना ही था। हाँ वो तो है, थोड़ा डाल दो ना। ए, छोटी छोटी सुन, सारी सब्जियाँ रख दे। पहले से ही रखी हुई। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, यहाँ रखेगी तो खत्म हो जाएगी, किचन में रख दे। लगता है खाना आज कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना है। आइटम कैसी है? तीनों आइटम मस्त हैं। तू किसकी बात कर रहा है? तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? मैं खाने के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं भी खाने की तारीफ कर रहा हूँ। ओह अच्छा है कि मेरे बहनों की बात नहीं कर रहा, पानी में डुबो के पापड़ ही खा लेता हूँ। अरे पापड़। हेलो, ये शरीफों का घर है, खाने पे कुत्ते की तरह मत झपटो। इस तरह उंगलियां चाटोगे तो सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? हाँ। गंदा लगता है। आज मिल का भोपू इतनी जल्दी कैसे बच गया? मेरे डकार की आवाज़ थी। इतनी जोर से डकार लोगे तो मिल के वर्कर सोचेंगे कि छुट्टी हो गई। अच्छा चलो केले का पत्ता फेंक के आते हैं। हम मेहमान से काम नहीं करवाते, पत्ता चाट के इतना साफ हो गया कि शाम को भी काम आएगा। जाओ हाथ धो के आओ, जाओ। देखो तुम इससे दूर ही हैं? कहाँ गए तुम लोग? अरे अरे रुको। क्या कर रहा था? अरे हाथ तो पोछ। अरे लड़कियों का पल्लू ही मिला, मेरी लुंगी क्या मर गई है? पोंछ ले, आज ही के दिन के लिए तो पहनी है। चलो ठीक है, थैंक्स।
चिरकुट बोल के मेरा चीर हरण करके चला गया। भैया ये हमारे हैं कौन? दादाजी। हाँ, अगर मैं आपसे बड़ी होती तो भैया वो आपके जीजा लगते। निकल यहाँ से। इनको पैदा करते वक्त पिताजी न जाने कौन से मूड में थे कि इन तीनों के ऊपर का दिमाग खाली रह गया। एक रात की ही तो बात है, कल से मेरी हुकूमत होगी। और अचानक उस उड़ते पंछी ने एक अंडा दिया। अब बताओ उस अंडे का क्या हुआ होगा? जमीन पर गिरकर फट गया होगा। अरे नहीं रे, उसने अपनी तरह चड्डी पहनी हुई थी। अरे चिरकुट, सोया रही अभी तक? तीन तीन जवान बहनों के साथ एक शैतान बैठा हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? तुझे भजन कीर्तन कुछ नहीं आता क्या? कब से फालतू जोक मार के खुद ही करके हंसी जा रहे हो? चल बाहर, खटिया डाल दिए। अरे नहीं रे बाबा, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, बहुत ठंड है वहाँ तो। बाहर ठंड है लेकिन यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। चल 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 चल। भैया प्यारे हमें चुटकुले सुना रहा है। काय का चुटकुला, ये सारे तो मैंने पांचवी क्लास में सुने हुए हैं। भूल गए, मैंने इससे भी अच्छे अच्छे सुनाए हैं। क्या भैया, आप तो हमें वही वेज जोक सुनाते हैं, प्यारे ना हमें नॉन वेज जोक सुना रहा है। अच्छा अच्छा, मैं भी तो सुनूं इसने कौन सा नॉन वेज जोक सुनाया। प्यारे जी हमें नींबू संतरे में फर्क बता रहे। मेरे भाई, क्यों मेरी वेजिटेरियन बहनों को नॉनवेज बनाने पे तुला है? कुछ हो गया ना तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। चल चल सोने जाके सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आज मेरी पहली रात है। अबे झटके क्यों दे रहा है? हाँ, जब भी मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ मुझे फर्स्ट नाइट नींद नहीं आती है। तुम जाओ ना जाके सो जाओ। दो तो वैसे भी बज चुके हैं, 6 बजे तक जाकर मैं तुझे केले मिर्ची की जोक सुनाता हूँ। सुबह जाना भी है तुझको, चल डायरेक्ट स्टेशन निकल जाओ। चल चल उठो। पीछे पड़ा है, सोने दे उसे। मैं इसके पीछे पड़ा हूँ क्योंकि ये तीनों के पीछे पड़ा है, कब समझ में आएगा? चल चल जाके सो जाओ ना। मैं पहले किशोर कुमार से लोरी सुनूंगा रेडियो पर, उसी के बाद नींद आएगी। अरे किशोर कुमार क्या, मैं तुझे मुकेश हिमेश सबकी लोरियां सुनाता हूँ। चल जल्दी अभी चल चल। अरे सोना, मैं आता हूँ अभी आता हूँ। नीचे नीचे चिरकुट। चिरकुट बोल, क्या तुम्हारी बड़ी बहन सो गई होगी? क्यों पूछ रहा है बे? क्योंकि उसे अपना भविष्य जानना था। मैंने कहा मैं हाथ देखना जानता हूँ, देख रहा हूँ। सो जा वरना तेरा भविष्य मैं खराब कर दूंगा। सो जा। चिरकुट चिरकुट, क्या है रे, तुम्हें नींद कब आएगी? जब तीनों बहनों के हाथ पीले होंगे तब मुझे नींद आएगी। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? कैसे? उनकी शादी कराने में। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। मदद करने दो ना। कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इतना मेरे लिए करो तो काफी है। सो जाओ। कम से कम एक बहन की जिम्मेदारी। सो जा बे। अरे खटिया खड़ी हो गई, धीरे। हाय राम, मेरा पिछवाड़ा मर गयो, लुट गयो, बर्बाद हो गयो। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है जैसे किसी उल्लू की तीन बहनें भाग गई हों और वो रो रहा हो। ए चिरकुट, तू यहाँ क्यों सो रहा है? तू तो ऊपर सो रहा था ना घोड़े बेचकर। खुद ही घसीट कर मुझे यहाँ आया और पूछ रहा है। ए, घूम जा, मुझ पर बिन बादल बरसात हो रही है। लगता है मेरे राहु की महादशा शुरू हो गई। अरे चिरकुट, मेरे हाथ में थोड़ी है, अब बरसात तो बिन बादल के भी हो सकती है ना। अरे तुम्हें टंकी खाली करने की इतनी जल्दी थी तो बिस्तर पर ही कर लेते, तुम्हारा किया धरा सब कुछ मैं अपने ऊपर ले लेता। अब क्या जमीन पर पसरा आ, आ, ई, उ, 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 करता रहेगा। चलो अंदर चल। मैं यहाँ अपनी मर्जी से थोड़ी ना आया था, टोचन की गाड़ी की तरह मुझे घसीट घसीट कर तुम यहाँ लेकर आए। अब मेरी डिक्की क्या, बम्पर क्या, सब ठुक गई है। बहुत ही कमजोर खिलाड़ी हो चिरकुट, इसलिए छोटी चोट में भी दर्द बड़ा ही होता है। चलो कल सुबह मिलते हैं चिरकुट, गुड नाइट। अरे कहाँ जा रहे हो मेरी बहने, मेरी बहने, कोई बचाओ ने।
कितना बुरा सपना देखा था। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है, लगता है गटर का ढक्कन किसी ने खोल दिया। तो तेरी माँ का साथी लगा। यहाँ क्या कर रहा है तू? रात को तो आप मुझे एकदम चिपक कर लपक कर दिल के ऊपर लेकर सोए थे। चलो निकालो अभी 4000 रुपया। 4000? तुझे क्यों चाहिए? अरे मेरे लिए नहीं, बैल के लिए। ए, बैल को क्या सोने की नेम प्लेट लगाएगा? मुझे चूना मत लगा काले भैंसे। ठरकी, वो ठरकी कहाँ गया? मुझे क्या पता। चलो अच्छा हुआ बिना बताए निकल गया। मैं अपनी मालिश करवाता हूँ, तू जाके बैल का थाई मसाज कर। अच्छे से मालिश करो। हाँ बिल्कुल इधरी। ऐसे। माँ, प्यारे के कानों में तेल डालो। हाँ डालो ना। क्या ये साइकिल की घंटी है जो तेल डाल रही है? चल यहाँ आ जा, साइड में आ जा, निकल। और तुम सब मिलकर इस पहलवान को क्या किसी अखाड़े में भेजने की तैयारी कर रही हो? नहीं रहा, ठंड में सोने से इसका शरीर अकड़ गया है, बेचारे का खून जम गया है, इसीलिए इसकी मालिश कर रहे हैं। इस तेल को लगाने से इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। ये तुम सबको फूल बना रहा है और तुम सब इसे कूल कर रही हो। सच बात तो ये है कि रात भर मैं ठंड में मर रहा था, ये नहीं। गायत्री, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो सूप वहाँ ठंडा हो रहा है, चलो इसे पिला दो। मालिश के साथ सूप भी? जब से ये आया मेरी किस्मत फूट गई है, मेरी बहने तो क्या माँ भी रूट गई है। मजा आ गया, क्या सूप बनाया है। अगर तुम इसमें थोड़ा नूडल मिला देती ना तो चाइनीज रेस्टोरेंट खोल लेती। तुम्हारा साथ रहेगा तो वो भी खोलेंगे। ये करेले का जूस भी बहुत अच्छा बना लेती है, तू कहे तो इसे वो भी निकालने बोल दूं। माँ, जहाँ तक मुझे याद है हमारे घर में पहली बार सूप बनाया, लेकिन आज तक तुमने कभी मेरे लिए सूप नहीं बनाया। ए चिरकुट, तेरे लिए मैं सूप बनाऊंगा ना। तुम यहाँ रहोगे तब ना, तुम्हारा यहाँ से पैकअप है। भूल गए कल रात को मैंने तुमसे क्या कहा था? सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तुम्हारे कदम घर से बाहर होने चाहिए, लेकिन तुम मसाज ले रहे हो। चलो चलो। हाँ। तुम्हारी माँ नहीं रुकने के लिए कहा है? तुम्हारी माँ काम पर चली जाती है, तुम भी बैल लेकर निकल जाते हो, तो मैंने सोचा मैं यहाँ रुक कर तुम्हारी तीनों बहनों का ख्याल रख लूंगा ना। मतलब दूध की कटोरी बिल्ली की निगरानी में। मैं दूध की कटोरी हूँ? तुम कटोरी नहीं, बिल्ले हो। माँ, तू मुझे अच्छी तरह से जानती है, अगर ये आदमी यहाँ से 2 मिनट में नहीं गया तो मैं इसे वहीं भेज दूंगा जहाँ मेरे पिताजी गए हैं, याद रखना। क्या समझ के रखा है मुझे? तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये और इसका बैल बचपन से ऐसे ही है। ये क्या हो गया? क्या आंटी, आप भी उसको ऐसे ही डांटती रहती हैं? देखिए ना, आपकी डांट की वजह से इतना मायूस होकर मोटे मोटे आंसू बहा रहा है। फिल्मी है, जब मैं पेट से थी मैंने बहुत फिल्में देखी थी। मेरे साथ तेरा भी दिल टूट गया। मैं इतने सालों से घर की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आपके बहनों ने एक बार भी बदन तो छोड़ो सर पे भी मेरे तेल मालिश नहीं की। अबे बंजर जमीन, सर पर मालिश करने लायक खेती बची कहाँ है? लेकिन अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे उल्टे पाँव भागना होगा, भागना होगा, भागना होगा, भागना। मालिक कौन, नौकर कौन, पता ही नहीं चलता, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। खा खा खा, तू नहीं खाएगा तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? गोटी चली गई, गोटी चली गई। क्या सुबह सुबह पका रहा है? आपकी तीनों बहनें उस घुसपैठिए के साथ गोटी गोटी खेल रही हैं। ये भी हाई फाइव। अबे साले, इसे गोटी नहीं कैरम कहते हैं, तूने तो डरा ही दिया था मुझे, कहा था थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया कर, लेकिन इस टकले भेजे में कुछ घुसे तब ना। चल निकल। प्यारे ये सफेद वाली लो ना। ए पढ़ी लिखी अनपढ़, उसे सफेद नहीं कहते, कॉइन कहते हैं, समझ गई? अरे चिरकुट, अंग्रेजी में कॉइन कहते हैं लेकिन हम काली सफेद कहते हैं। अब बताओ पहले किसको लूं? इसको लो। यहाँ से गेम अब मैं कंटिन्यू करूंगा, तुम लोग जाओ और मेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बना कर लाओ, जाओ। कॉफी कड़क लाना, जाओ। प्यारे तुम्हारे लिए कॉफी लाऊं या चाय? प्यारे चाय कॉफी नहीं, सिर्फ दूध पीता है। तुम डायरेक्ट पियोगे या ग्लास में? तुझे इसकी बड़ी पड़ी है, चल जा। कॉफी लेके आ। संभाल के, प्यारे डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है। हाँ तो मैं स्टेट प्लेयर हूँ, चल जा जा जा। मार, पहले पैर नीचे रख। राइट से सफेद मारूंगा, लेफ्ट से काली और बीच से रानी। एक मिनट रुक, अगर मैं जीत गया तो? जो तू बोले। पहली बस पकड़ के तू यहाँ से निकल जाएगा। और अगर मैं जीता तो तू पहली ट्रेन पकड़ कर यहाँ से निकल जाएगा। डील या ढील? डील। चलान दे। कम ऑन।
भैया कॉफी का कप टूट गया। खेल बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कैरम भी कोई खेल है, डांडिया खेलो तो मजा आए। तेरी तो अब पता चला तू डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर कैसे बन गया, स्ट्राइकर उछाल उछाल के।